ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 4019, क्लैरिफाइड ऑन 27 जून 2022। आज का प्रातः क्लास है 9 जुलाई 1966। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 9 जुलाई 1966। रिकॉर्ड चला है रात की राही थक मत जाना। द रिकॉर्ड प्लेड इज ओ ट्रैवलर ऑफ नाइट डोंट बिकम टायर्ड। सुबह की मंजिल दूर नहीं है। द डेस्टिनेशन ऑफ मॉर्निंग इज इन फार अवे। ओम शांति। ओम शांति। मीठी मीठी शिकीली बच्चों ने गीत सुना। द वेरी स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन हर्ड द सॉन्ग। और जो योग युक्त सर्वसेवल बच्चे हैं वो इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। एंड द योग युक्त सर्विसेबल चिल्ड्रन अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग क्विकली। योग युक्त मीन्स फुल ऑफ योग। हम रात के राही हैं। We are the travelers of night. अर्थात हम ब्राह्मणों की अब रात पूरी होती है। It means the night of us Brahmins is about to be completed now. ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता। The golden and the silver age is the day of Brahma. और ब्रह्मा की रात है द्वापर कलयुग। And the copper and the iron age is the night of Brahma. तो जो ब्रह्मा की रात और दिन है वही ब्राह्मणों का रात और दिन। So the night and day of Brahma is the night and day of the Brahmins. तो अब रात पूरी होती है, अज्ञान अंधेरी रात। Now the night of the darkness of ignorance becomes complete. भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। The path of bhakti is called night. हम श्रद्धा का मार्ग है। It is the path of blind faith. अज्ञान का मार्ग है। It is the path of ignorance. आधा कल्प रात का पूरा होता है। द हाफ साइकिल ऑफ नाइट इज कम्प्लीटेड। ऐसे तो हद के दिन और रात भी होती है। As such, there is the limited day and night as well. रात होती है 7 बजे से रात के 12 बजे तक। It is night from 7 till midnight 12. फिर दिन गिना जाता है। Then it is considered to be day. वो है हद का दिन और रात। That is the limited day and night. ये है ब्राह्मणों की बेहद की अज्ञान की रात। This is the unlimited night of ignorance of the Brahmins. वैसे ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन सतयुग और त्रेता। As such, there is the day of the Brahmins for half a cycle. That is the golden and the silver age. राम कृष्ण का राज्य होता है। इट इज द किंगडम ऑफ राम एंड कृष्ण। और रात भी जरूर होती है। एंड देयर इज डेफिनेटली नाइट एज वेल। जहाँ अनेक धर्म होते हैं, अनेक मत मतांतर है, अनेक भाषाएं होती है। वेयर देयर आर वेरियस रिलीजियंस डिफरेंट ओपिनियंस डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अज्ञान अंधेरा हो जाता है। देयर इज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। तो इस समय जब बाप आते हैं तो उस दुनिया में अंधेरा है अज्ञान का। So now, when the father comes, there is the darkness of ignorance in that world. प्रभात होने का पहला समय आया है। The period initial to dawn has come. अभी प्रभात हो रहा है। Now, the dawn is drawing near. बाप कहते हैं मीठे बच्चे याद की यात्रा में थक मत जाना। The father says, sweet children, don't become tired on the journey of remembrance. जैसे वो जिस्मानी यात्रा होती है। Just like there is that physical journey. पहले पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे। Earlier, they used to go very slow on foot. बीच बीच में मंजिलें बनी रहती थी। There were stops in between. मालूम रहता था हमको फलानी मंजिल पर ठहरना है। They knew they have to stop at so and so place. आगे बहुत लड़कते पैदल जाते थे। Earlier, many went on foot by road. उसमें बड़ी मेहनत थी। It involved lots of effort.
अभी तो ये बहुत सहज है। नाउ इट इज वेरी इजी। इसको कहा जाता है सहज यात्रा, सहज योग। दिस इज कॉल्ड द इजी जर्नी, द इजी योग। सिर्फ बाप को याद करना है। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द फादर। हाँ, इस योग में और कोई शक नहीं है। यस, देयर इज नो अदर डाउट इन दिस योग। ये विघ्न पड़ते हैं परंतु इसमें थक नहीं जाना है। ऑब्स्टिकल्स आर क्रिएटेड इन इट, बट डोंट बिकम टायर्ड बाय इट। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। यू बिकम बॉडी कॉन्शियस बाय बिकमिंग टायर्ड। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। द वेरी मीनिंग ऑफ बिकमिंग टायर्ड इज टू बिकम बॉडी कॉन्शियस। बाप कहते हैं बच्चे द फादर सेज चिल्ड्रन शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, यू सर्टनली हैव टू परफॉर्म एक्शंस फॉर योर लाइवलीहुड। इसके लिए छुट्टी है। यू हैव अ कंसेशन फॉर दिस। 8 घंटा शरीर निर्वाह अर्थ, गिव 8 आवर्स फॉर लाइवलीहुड। 8 घंटा आराम, गिव 8 आवर्स फॉर रेस्टिंग। बाकी 8 घंटा ऐसे ज्ञान योग में दो। गिव द रिमेनिंग 8 आवर्स फॉर दिस नॉलेज एंड योग। अभी पूरा 8 घंटा कोई दे नहीं सकते। वेल, नो वन कैन गिव कंप्लीट 8 आवर्स फॉर इट। अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। यू विल स्टे इन रिमेम्बरेंस फॉर 8 आवर्स इन द एंड। याद के चार्ट को बढ़ाते रहो। कीप इम्प्रूविंग योर चार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है। When you come and sit here, you are reminded of it. यहाँ तुम निष्ठा करते हो। Here you do nishtha, meaning specially conducted meditation. बाबा की याद में आकर बैठते हो। You come and sit in Baba's remembrance. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर के याद में बैठना है। This doesn't mean that you just have to come and sit in remembrance here. ऐसे बहुत समझते हैं। Many of them think, अच्छा 5 से 10 मिनट निष्ठा करके आवे। अच्छा, we will do nishtha for 5 to 10 minutes and go. परंतु बाप तो कहते हैं याद करते करते कहाँ भी तुम जाते हो तो भी तुम निष्ठा में रहो। However, the father says, No matter where you go while remembering the father, stay in nishtha. कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं When you go somewhere to bathe in the Ganges, etc., तो राम राम जपते हो ना। you chant राम राम, don't you? यहाँ तुमको कुछ भी सिमरना नहीं है। Here, you don't have to chant anything. बाप को सिर्फ याद करना है। You just have to remember the father. बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारा कल्याण ही याद की यात्रा में। The father tells the children, "Your benefit lies in the journey of remembrance itself. इसमें थकना नहीं है। You shouldn't become tired in it. इसमें तूफान बहुत आवेंगे। Lots of storms will come in it. तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। The connection of the intellect breaks because of the storms. फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद याद आते रहते हैं। Then, because of becoming body conscious, you keep remembering business and occupation, children, etc. बाप कहते हैं अब तो ये धंधा धोरी ये बच्चे आदि सब खलास हो जाने। The father says, "Now all these business and occupation, children, etc., are going to perish." तुम्हारे बच्चे ही कोई वारिस नहीं बनेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। None of your children will become heirs. All of them will perish. अब तो वारसदार बेहद गए, बाप के बच्चे खड़े हैं। Now, the children of the unlimited father are standing as heirs. हद का वर्षा मुर्दा होना है। The limited inheritance has to finish. साहूकार लोग समझते हैं बच्चा बड़ा होगा, शादी होगी, ये होगा, वो होगा। The rich think that the son will grow big, he will get married, this will happen, that will happen. और बाप कहते हैं अब इतना टाइम ही नहीं है। And the father says, Now, there isn't so much time at all.
इसलिए इस दुनिया से बिल्कुल ही मोह हटा दो। दिस इज व्हाई ब्रेक अटैचमेंट फॉर दिस वर्ल्ड कम्प्लीटली। ये दुनिया तो कब्रस्तान है ना। दिस वर्ल्ड इज इन फैक्ट अ ग्रेवयार्ड इजंट इट। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में जो मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी करेंगे। Those who die in the thoughts of business and occupation, children, etc., will bring ruination to themselves for no reason. Shiv Baba ko yaad karenge to abadi bahut hogi. If you remember Shiv Baba, you will prosper a lot. Deh abhiman mein aane se barbadi hoti hai. You are ruined because of becoming body conscious. Dehi abhimani banne mein abadi hai. There is prosperity in becoming soul conscious. जितना याद में रहेंगे उतना भविष्य की जन्मों का वर्षा पाएंगे। The more you stay in remembrance, you will receive the inheritance for future 21 births to that extent. याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। If you don't remember the father, you will incur a lot of loss. वो घाटा फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। That loss will be seen cycle after cycle. इतने बड़े घाटे की बात है। It is about such a great loss. ख्याल करना चाहिए। हम पूरा वर्षा कैसे पाएं? You should think, how should we receive the complete inheritance? धन की भी कोई लालच नहीं रखनी चाहिए। You shouldn't have greed for wealth either. Too much में नहीं जाना चाहिए। You shouldn't do anything in excess. कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिकरात हो जाती है। If someone goes bankrupt, he becomes very anxious. शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। He forgets Shiv Baba completely. फिर दोष रखते हैं। Then they blame the knowledge. ये ज्ञान में आने से ये दीवाला मारा है। I have become bankrupt because of coming in this knowledge. हम बीमार हो पड़े हैं। I have become ill. ऐसा ये कब नहीं समझना चाहिए। You should never think like that. बीमारी होती है। You fall sick. ये तो पूर्व जन्मों का कर्म भोग है। This is the karmic suffering of the previous births. ये तो अच्छा है, विकर्म विनाश हो जाएंगे। It is certainly good that the wrong actions will be destroyed. धर्मराज के डंडे खाने से तो ये बीमारी अच्छी है। This illness is better than suffering the beatings of Dharmaraj. कर्म भोग चुकतु करना है। You have to settle the karmic accounts. ये अंतिम जन्म का महारोगी शरीर है। This is an extremely diseased body of the last birth. कितनी संभाल की जाती है। You take such good care of it. चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है। While following the path of knowledge, they stop in their tracks. They have a heart failure. ऐसी पुरानी दुनिया को तो एकदम बुद्धि से भूल जाना चाहिए। You should forget such old world through your intellect completely. बच्चे देखते हैं, बाप नया मकान बनाए रहे हैं। Children see that the father is building a new house. तो पुराने से दिल हट जाती है। So they develop this interest for the old one. बच्चे कहते हैं, बाबा जल्दी जल्दी बनाओ। Children say, Baba, build it soon. पुराने मकान में तकलीफ होती है। We face inconvenience in the old house. तुम अभी जानते हो, ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। Now you know that this old world is very dirty. तुम्हारा ये है बेहद का संन्यास। This is the unlimited renunciation of yours. तुम सारी दुनिया को भूलते हो। You forget the entire world. वो संन्यास तो सिर्फ घर बार का संन्यास होता है। That renunciation is just of the household. उसको अदा का संन्यास कहा जाता है। That is called the limited renunciation. तुम संन्यास करते हो पांच विकारों का। You renounce the five vices. 9 जुलाई 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। Second page of the morning class dated 9th July 1966. उनको ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बेहद का संन्यास क्या होता है।
यू सर्टनली वोंट टेल देम व्हाट द अनलिमिटेड रिनंसिएशन इज. वो तो तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं है. नो वन एल्स अदर देन यू नोज इट. बाप कहते हैं देश है तुम्हारे जो भी संबंध देह के हैं सब को तोड़ माम एकम याद करो. द फादर सेज ब्रेक ऑल द रिलेशंस ऑफ योर बॉडी अलोंग विद द बॉडी एंड रिमेम्बर मी अलोन. ये दुनिया तो इन आंखों से देखते हो उसको भूल जाओ. फॉरगेट दिस वर्ल्ड व्हिच यू सी थ्रू दीज आईज. तुम्हारी बुद्धि जानती है. योर इंटेलेक्ट नोज. हम स्वर्ग का सुख लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं. We are making purushart to take the happiness of heaven. ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है. You have received the third eye of knowledge. ये दुनिया तो साहब कब्रस्तान हो जानी है. This entire world has to become a graveyard. इससे प्यार नहीं रखना है. You shouldn't have love for it. आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हो गए हैं तो विकार भी तेज हो गए. Nowadays, human beings have lots of money. So the vices have also increased a lot. काम विकार कितना तेज है. The vice of lust is so powerful. ये काम विकार बिगर रह नहीं सकते. That people can't live without it. चार पांच वर्ष रह करके फिर लिखते हैं बाबा आज भूत आया. They stay pure for 4 to 5 years and then write, Baba, a ghost entered me today. काला मुंह कर दिया. कितना धक्का खाया एकदम 5 मार से गिरे. आई ब्लैकन माय फेस. आई सफर्ड अ बिग ब्लो. आई फेल डायरेक्टली फ्रॉम द 5th फ्लोर. पहले पहले है देह अभिमान. फर्स्ट इज बॉडी कॉन्शियसनेस. बहुत ऊपर से गिरा ठक पुरजा पुरजा हो गया खलास. ही फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. हिज बोन्स ब्रेक इनटू पीसेस. ही डाइज. हड्डे गुड्डे बिल्कुल ही टूट जाते. द बोन्स ब्रेक कम्प्लीटली. फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है. देन इट टेक्स टाइम टू मेक पुरुषार्थ. ये है पुरुषार्थ की सबसे बड़ी चोटी. इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है. दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पुरुषार्थ. दिस इज व्हाई द फादर सेज लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी. काम विकार को ही पतितपना कहा जाता है. The vice of lust itself is called impurity. कहते हैं बाबा. They say, Baba. हमको जल्दी पतित से पावन बनाओ. Make me pure from impure soon. भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना. There were completely viceless deities in Bharat itself, weren't there? अभी भारत विकारी है. Now this Bharat is vicious. जो संपूर्ण विकारी बनते हैं वो ही संपूर्ण विकारी भी बनते हैं. Those who become completely viceless, they themselves become completely vicious as well. बाबा ने समझाया संपूर्ण विकारी देवताओं को कहेंगे. Baba has explained, the deities will be called completely viceless. बलराम राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती. Although there isn't the question of vices even in the kingdom of Ram. परंतु कला तो कम हो ही जाती है ना. The celestial degrees do decrease, don't they? तो वो दुनिया की ताकत कम हुई ना. So the power of that world decreased, didn't it? इसलिए उन सतयुग को सतोप्रधान. This is why the golden age is called सतोप्रधान. पितृता को सतो कहा जाता है. The silver age is called सतो. मीनिंग सतो सामान्य. तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो करें. यू विश टू फॉलो मम्मा बाबा. सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने. एंड बिकम द सूर्यवंशी एम्परर एंड एम्प्रेस. इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की कोई बात ही नहीं है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एनी इनकन्वीनियंस और एक्सपेंडिचर एटसेट्रा इन इट एट ऑल. इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है. You shouldn't even say anything through your mouth here. सिर्फ याद. Just remember the father. इसको सहज योग कहा जाता है. This is called easy yog. सहज ज्ञान है. It is the easy knowledge. बीज को और झाड़ को जानना है. You should know the seed and the tree. भक्ति मार्ग में तो कितने ढेर शास्त्र जन्म जन्मांतर पढ़ते आए.
यू हैव बीन रीडिंग न्यूमरस स्क्रिप्चर्स इन द पाथ ऑफ भक्ति फॉर मेनी बर्थ्स। तुमको पता पड़ता है कितने गुरु किए। यू कम टू नो यू हैव मेड सो मेनी गुरुज। भक्ति मार्ग में भी भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु करते आए। यू हैव बीन मेकिंग वेरियस काइंड्स ऑफ गुरुज इन द पाथ ऑफ भक्ति टू। ब्रह्मा बाबा भी बताते हैं हमने 12 गुरु किए। ब्रह्मा बाबा ऑल्सो सेज आई मेड 12 गुरुज। वो क्या क्या सिखाते थे वो भी बता सकते हैं। आई कैन ऑल्सो टेल यू व्हाट ऑल दे टॉट। बाप कहते हैं अब इन गुरु गुसाई आदि को छोड़ो। द फादर सेज नाउ लीव दीज गुरुज एसेटिक्स एटसेट्रा। तुमको ज्ञान सागर मिला है बाकी क्या चाहिए। You have found the ocean of knowledge. What else do you want? बनारस में विद्युत मंडली में जाकर श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल लेते हैं। They go to the विद्युत मंडली gathering of scholars in Banaras and take on the title of Sri Sri 108 जगत गुरु। बाबा ने शुरू में बनारस सेंटर खोला ही इस ख्याल से था कि विद्युत मंडली को पकड़ो। In the beginning, Baba opened the center of Banaras with the very intention of catching hold of the Vidyut Mandali. जहाँ से झूठे टाइटल मिलते हैं। From where they get false titles. वहाँ जा करके समझाओ। Go there and explain to them. परंतु समझाने वालों की वो अवस्था चाहिए, बल चाहिए। But those who go to explain should have such stage, such power. योग बल नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। If they don't have the power of yog, what will they be able to do? कोई को जा करके समझावे या चिट्ठी लिखे। They should go and explain to someone or write a letter. ये झूठे टाइटल देते रहते हैं। They keep giving false titles. ये साधु बड़े बड़े विद्वान जो भी हैं, उनों के लिए ही भगवान वाच है कि इन साधुओं का भी मैं उद्धार करता हूँ। It is for all these sages, great scholars, that God says, I uplift even these sages. माना भगवान ही इनका उद्धार करता है। It means God alone uplifts these ones. तो वास्तव में श्री श्री 108 जगत गुरु तो वास्तव में शिव बाबा का नाम है। So, Sri Sri 108 Jagat Guru is Shiv Baba's name in reality. परंतु कोई ने भी वहाँ बनारस में पुरुषार्थ ऐसा नहीं किया है समझाने का। But no one has made such पुरुषार्थ of explaining there in Banaras. जबरदस्त ऐसा कोई उपाय नहीं निकाला है जो अपना पांव जमाए और दम चक्कर मचाए। They haven't devised such a great plan that they set their foot and wreak havoc. चाहिए माता। A mother is required. मम्मा को जाना चाहिए। मम्मा should go. बाकी माताओं में इतना दम नहीं है जो विद्युत मंडली में जा करके उनों को समझा। The other mothers don't have so much power that they can go to the विद्युत मंडली and explain to them. इस विद्युत मंडली द्वारा ही भारत का ये हाल हुआ है। भारत has reached this condition because of the विद्युत मंडली itself. बल कई अच्छी अच्छी बच्चियां भाषण बहुत अच्छा करती है परंतु योग तो नहीं है। Although many good daughters give very good speech, they don't have yog. ताकत तो सारी है ही योग में। The entire power lies in yog alone. जिस योग की बहुत कमी है। We lack a lot in that yog. इसमें बड़ी मेहनत है। A lot of hard work is involved in it. Baba ke aage to sabhi maharathi hai. There are all the maharathis in front of Baba. Jino ka mamma ke piche maa naam dala hai. Parantu yog kam hai. Their names have been mentioned after mama. But they have less yog. Isme kuch teer lage yog bal ka. The arrow of the power of yog should hit the mark a little. ये योग बल है ना। This is the power of yog, isn't it? योग की बहुत कमी है। We lack a lot in yog. बिघ्न भी योग में पड़ते हैं। It is in yog that the obstacles arise. तो
तो उठ करके बैठ करके देखो कितने विघ्न पड़ते हैं। सो वेक अप सिट एंड लुक सो मेनी ऑब्स्टेकल्स अराइज। एक तो काम महाशत्रु है। वन थिंग इज दैट लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। पुरुषों की सत्यानाश कर देता है। इट ब्रिंग्स टोटल रुइनेशन ऑफ मेन। बाबा मिसाल देते हैं, वो अपने ही मुंह में खिसकता है। बाबा गिव्स एन एग्जांपल। दे स्लिप इन देयर ओन यूरिन। इनके पैर बहुत लंबे होते हैं। देयर लेग्स आर वेरी लॉन्ग। ये मनुष्य भी ऊंट पक्षी है। दीज ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो लाइक कैमल्स। घड़ी घड़ी अपने मुंह में गिर पड़ते हैं। They fall in their urine again and again. फिर हाय हाय करते हैं। Then they lament. आगे ऊंट बोट पर चढ़ाते थे, खिसक पड़ते थे। Earlier, people made camels climb onto the boat. They slipped off. ये भी पुरुष ऊंट मिसल है। Man is also like the camel. इसलिए माताओं ने पुकारा है, हमें नग्न होने से बचाओ। This is why the mothers have called out. Save us from being disrobed. वेद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। The unlimited father sits and explains to the very sweet children. बाप से कब्र उठाना नहीं है। You should never become upset with the father. रूठेंगे तो 21 जन्म के लिए तकदीर से रूठ पड़ेंगे। If you become upset with him, you will become upset with the fortune for 21 births. बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथी रूठ पड़ते हैं। वेरी गुड महारथीज बिकम अपसेट विद द फादर। नशा चढ़ जाता है। मैंने इतने को समझाया, फिर गिर पड़ते हैं। दे गेट इंटॉक्सिकेटेड। आई एक्सप्लेन टू सो मेनी, देन दे फॉल। इसमें योग बल बहुत चाहिए। अ लॉट ऑफ पावर ऑफ योग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। शिव बाबा को कोई अहंकार है? Does शिव बाबा हैव एनी ईगो? है कितनी बड़ी अथॉरिटी। He is such a big authority. ओम शांति। ओम शांति।